हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूनिट सेकंड में जो आपकी इकाई है, इकाई दो में लेसन है आपका वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, तो जो वंशागति होता है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, और जो आणविक आधार होता है, आणविक को बोलते हैं मॉलिकुलर, यानी कि अणु मीन्स आधार, यानी कि बेसिक। तो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वंशागति का आणविक आधार लेसन आपका सेवन है। इसमें आपको क्या स्टडी करना है, जो अणु होते हैं, अणु मतलब आपके इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें आपके आ जाएंगे डीएनए और आरएनए। ये डीएनए आरएनए आपको इसमें स्टडी करना है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस बार आएंगे भी पक्का 100% आपके डीएनए आरएनए बहुत अच्छे से पूछा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये डीएनए आरएनए कैसे हैं, वंशानुगत हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो आपका जो टॉपिक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपका टॉपिक आनुवंशिक पदार्थ की खोज का संक्षिप्त इतिहास। तो आपको जो आनुवंशिक पदार्थ हैं उनकी खोज किसने की, कैसे की, ये आपको स्टडी करना है। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, आप मान लीजिए क्या है, वो है आपका डीएनए। क्या है, वो आपका डीएनए है जो आनुवंशिक पदार्थ है। ये क्या करता है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये कि जो डीएनए होते हैं वो तो मात पिता के डीएनए बच्चों में या उनकी आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो वो आपका क्या होगा, ये आपका जो डीएनए, यही आपका क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। आप जैसा कि हम आपको समझा रहे हैं, आप समझ लीजिए, आपका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए है। डीएनए क्या करता है, मात पिता के डीएनए बच्चों में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आपको यहाँ से नोट करना, हमने एरो बना दिया है, जीवों के विभिन्न लक्षण बाहरी और आंतरिक, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे मनुष्य हों, उनके जन्य पदार्थों में स्थित सूचनाओं के ही परिणाम हैं। ये सूचनाएं डीएनए में जीन्स के रूप में स्थित रहती हैं। तो डीएनए हमने आपको बोला था, तो डीएनए में जीन्स, मान लीजिए ये डीएनए हमने आपको यहाँ बना दिया, ये डीएनए बना दिया। ठीक है, तो ये डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। तो जीन्स के रूप में स्थित रहती हैं विभिन्न जीवों में, पीढ़ी दर पीढ़ी इन सूचनाओं का स्थानांतरण युग्मकों के रूप में होता रहता है। ठीक है, जैसे ही निषेचन होता है तो मातापिता में जब शस्त्रक्रिया होती है तो उनके जो डीएनए होते हैं, ये जो डीएनए होते हैं मातापिता के, अगली पीढ़ी बच्चों में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस प्रकार से नया जो गुणसूत्र होता है वो बनता है। ठीक, जब ये बनेगा तो जो सूचनाएँ जो होंगी वो मातापिता की सूचनाएँ बच्चों में चली जाती हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसमें ये सूचनाएं डीएनए में जीन्स के रूप में स्थित होती रहती हैं, विभिन्न जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी इन सूचनाओं का स्थानांतरण युग्मकों के द्वारा होता है। नवीन संततियों में पहुंचने के उपरांत इन जीन्स के प्रकटीकरण को की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो मीन्स तभी जा करके कोई प्रक्रिया शुरू होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें जो नोट हमने लिखा है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, ये क्लियर बात है। ठीक है, होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, और डीएनए के द्वारा ही आनुवंशिक सूचनाएं दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती हैं। तो डीएनए की जो सूचनाएं होती हैं, ये सूचनाएं क्या है, ये आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को स्थानांतरित करता है। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये बात क्लियर हो चुकी है कि डीएनए ही क्या होते हैं, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, बॉन बेनीडेन, ये वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट, इन्होंने क्या कहा है 1887 में, मतलब 1887 में स्पष्ट कर दिया कि सभी देहिक कोशिकाओं में दंडवत संरचनाओं की संख्या समान होती है। मतलब जो गुणसूत्र होते हैं उनमें संख्या समान होती है। युग्मक कोशिकाओं गैमेट सेल्स में कोशी गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, अतः स्पष्ट है कि आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों पर पाया जाता है। इनने बात कर दी क्लियर, आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों पर पाया जाता है। तो आपको जो गुणसूत्र होते हैं इस प्रकार के, ठीक है, यही आपके आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। इनके अंदर डीएनए होते हैं जो मातापिता से आते हैं, तभी जाकर के दूसरी पीढ़ी में ये क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो आपको बात समझ में आ चुकी होगी, आपका जो टॉपिक है आनुवंशिक पदार्थ किसने बताया है, बॉन बेनीडेन ने स्पष्ट कर दिया है, ये आपके साइंटिस्ट हैं। इस प्रकार से ये टॉपिक आपका फिनिश होता है।